नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की युवाओं को बड़ी सौगात, 534 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, मिशन रोजगार के तहत दी गई नियुक्तियां। यूपी में अपराधियों पर योगी सरकार की नकेल, 15 अरब से अधिक की संपत्ति जब्त, 139 अपराधी एनकाउंटर में ढेर, वहीं घायल हुए 3196 अपराधी। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सांस लेने में तकलीफ, डॉक्टरों ने शुरू की ऑक्सीजन थेरेपी, लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में चल रहा इलाज। यूपी में बसपा पर सपा नेताओं का पलटवार, कहा चुनाव आते ही मायावती को याद आती है ब्राह्मणों की, बसपा करने जा रही है ब्राह्मण सम्मेलन, दूसरे दलों की बढ़ सकती है परेशानी। यूपी के संभल में दर्दनाक हादसा, मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर दुर्घटना, 2 बसों की भिड़ंत में 7 लोगों की मौत, 8 अन्य घायल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मिशन रोजगार के तहत 534 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों और व्यायाम प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनका चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किया गया है। इस अवसर पर सीएम योगी ने नव चयनित अधिकारियों और प्रशिक्षकों को संबोधित भी किया। स्वच्छता के कार्यक्रम को इनके साथ जोड़ा जाना चाहिए, गांव के सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था के संचालन में इनको जोड़ा जाना चाहिए, गांव में स्वतः रोजगार के अवसर कहां हो सकते हैं इसके सृजन की कार्रवाई को इनके साथ जोड़ा जाना चाहिए, गांव में उन सभी संभावनाओं को जिससे ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार किया जा सके, इसके लिए भी इन्हें हम प्रशिक्षित कर सकें, इस दिशा में भी एक नया प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। और बहुत कुछ ग्रामीण क्षेत्र के उस प्रवेश में जो गांधी जी के उन सपनों को साकार करता है, ग्राम स्वराज की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए ही राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की अपनी अभिनव योजना चलाई है। 1857 की क्रांति के महानायक मंगल पांडे की जयंती पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी ने कहा कि बर्बर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 1857 में क्रांति का बिगुल फूंक अपने बलिदान से राष्ट्र को जागृत करने वाले मां भारती के अमर सपूत मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का अपराधियों पर नकेल कसने का सिलसिला लगातार जारी है। सूबे में पुलिस ने कुख्यात अपराधियों, विभिन्न प्रकार के माफियाओं व उनके गिरोह के अन्य सहयोगियों के खिलाफ अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की है। योगी सरकार ने 4 साल से अधिक के कार्यकाल में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 15 अरब 74 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियों को जब्त किया है। इनमें सर्वाधिक कार्रवाई जनवरी 2020 से अब तक की गई है। इस दौरान रिकॉर्ड कुल 13 अरब 22 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति गैंगस्टर अधिनियम के तहत जब्त की गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया किया गया है। विगत 20 मार्च 2017 से 20 जून 2021 तक की अवधि में कुल 139 अपराधी गिरफ्तार के दौरान मुठभेड़ में मारे गए, 3196 घायल हुए हैं। इन कार्रवाइयों में पुलिस बल के 13 जवान अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो वहीं 1122 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की एक बार फिर हालत नाजुक हो गई है। बीते शनिवार की शाम उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई थी, लेकिन हालात में सुधार नहीं होने पर उन्हें क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों ने नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा था। हालांकि पीजीआई प्रशासन का कहना है कि फिलहाल हालत स्थिर है और उनका इलाज आईसीयू मेडिकल टीम के गहन निगरानी में किया जा रहा है। मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की जान चली गई, जबकि 8 अन्य लोग घायल हो गए। सभी लोग बारात में शामिल होकर लौट रहे थे। बारात चंदोसी से बहजोई क्षेत्र के छपरा गांव से लौट रही थी। इधर अस्पताल में घायलों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बारात में से लौटते समय बस खराब हो गई थी। खराब बस रोड किनारे खड़ी थी और दूसरी बस ने पीछे से टक्कर मार दी। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर एसपी सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। चंदौसी राजमार्ग पर 2 प्राइवेट बसों में टक्कर हुई। इस दुर्घटना में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 7 लोगों की मृत्यु हुई है। वह 8 अन्य लोग जो घायल थे उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है और उनकी उपचार सीएससी बहजोई में चल रहा है। जो मृतक हैं उनके शवों का पोस्टमार्टम व पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सभी मृतक ग्राम छपरा जनपद संभल के रहने वाले थे। ये एक शादी समारोह से लौट रहे थे। रास्ते में बस का टायर पंचर होने के कारण बस एक किनारे खड़ी थी। इसमें पीछे से दूसरी बस के द्वारा टक्कर मारी गई, जिससे यह दुर्घटना हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। ऐसे में योगी सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से बचने और संक्रमण के मामलों पर काबू पाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी उन्हें यूपी की सीमा में प्रवेश मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल से आने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से किसी भी तरह की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही आरटीपीसीआर की रिपोर्ट चेक की जा रही है, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका गहराती जा रही है। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही मायावती को ब्राह्मणों की याद आ रही है। 23 जुलाई से बीएसपी यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। ऐसे में बीएसपी प्रमुख मायावती के ब्राह्मणों पर दिए बयान पर सपा प्रवक्ता अभिषेक मिश्र ने पलटवार किया है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी को जैसे चुनाव आ रहा है दोबारा से ब्राह्मण याद आ रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तब हम भगवान परशुराम की उससे बड़ी मूर्ति लगाएंगे, जितनी बड़ी लगाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। जितना अत्याचार इनकी सरकार में ब्राह्मणों पे हुआ, जितने एससी एसटी के गलत मुकदमे लगाए गए, वो आज पूरे प्रदेश को, हर वर्ग को, हर समाज को याद है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा के साथ पूरा हर वर्ग, हर समाज, ब्राह्मण समाज खासकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। माननीय अखिलेश यादव में अपना भविष्य देख रहा है, जिन्होंने हर मौके पर सम्मान दिया, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, ताकत देने का काम किया है, समाज को, लोगों को इज्जत दी है और उनको उनका जो उचित सम्मान है वो देने का काम किया है, विकास से जोड़ने का काम किया है, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, नौकरियां देने का काम किया, शिक्षा पे काम किया, रोड्स पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, हेल्थ पे काम किया। आज एक बार फिर से जिस प्यार में और जिस मोहब्बत से ये समाज, पूरा ब्राह्मण वर्ग माननीय समाजवादी पार्टी के साथ, माननीय अखिलेश यादव के साथ खड़ा है, उसको देख करके उसकी चिंता इनको सता रही होगी, इसी वजह आज उन्होंने बयान दिया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया है कि अब सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी बनने। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की ओर से हो रही बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां पहले उन्होंने प्रदेश में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने पर यूपी छोड़ने की बात कही थी, वहीं अब अपने पैतृक जिले रायबरेली पहुंचने पर मुनव्वर राणा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। दरअसल मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की लैला बताया है। यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी के सहयोग से फिर योगी की सरकार बनी तो वे यूपी छोड़ देंगे।
बयान तो मुख्यमंत्री जारी करते हैं, बयान तो प्रधानमंत्री जारी करते हैं, बयान दबंग नेता जारी करते हैं, हम कलंदर लोग बयान जारी कहाँ से कर सकते हैं। हम लोग बहुत कोशिश करेंगे तो आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ जारी नहीं हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि अगर भाजपा आ गई तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। मैंने जो बयान का जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये है कि अगर ओएसी की बेवकूफ़ी से, नादानी से, लालच से उत्तर प्रदेश की मुसलमानों को नुकसान करने की वजह से अगर भाजपा अगर यहाँ आ जाती है तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। तो बताओ, प्रख्यात साहित्यकार और शायर मुनव्वर राणा की बयानबाजी को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि मुनव्वर राणा प्रख्यात साहित्यकार और शायर हैं और उनका दर्द उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ सभी जाति और धर्म के लोगों का दर्द है। भाजपा सरकार और उनके मुखिया सत्ता में बैठने के बाद जनकल्याण और विकास करने के बजाय सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं, वहीं लोगों को बांटकर असल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से अगर प्रदेश के लोग नफरत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। मुनव्वर राणा जी प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, शायर हैं और उनकी चिंता प्रदेश के लोगों के लिए जायज है। वो प्रदेश के चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, उनको लेकर उनकी चिंता है कि जो सरकार का मुखिया सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहा है, जबकि 2017 में इतने बड़े बड़े वादे किए थे नौजवानों के रोजगार को लेकर, उत्तर प्रदेश में जो अराजकता फैली है उसके नियंत्रण को लेकर, उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण को लेकर, उन सारे वादों पर भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विफल साबित हुए हैं। और उसका कारण है कि उनकी जो सक्रियता है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति में लोगों को उलझा कर रखना है। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां अनवरपुर में स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मेडिकल कॉलेज के ओपीडी गेट पर छात्रों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि ओपीडी के मुख्य द्वार को बंद कर दिया है लेकिन पीछे से मरीज आ जा सकते हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत करवाया। सिद्धार्थनगर जिले में दिमागी बुखार यानी कि इंसेफेलाइटिस एक बार फिर पांव पसारने लगा है और जिले में इसके मामले भी लगातार बढ़ने लगे हैं। मौजूदा हाल में जिला अस्पताल के आईसीयू पीडियाट्रिक वार्ड में 10 मरीज भर्ती हैं, जिनमें एक बच्चा वेंटिलेटर पर है। इस मामले में प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र का कहना है कि जिला अस्पताल में सभी सुविधाएँ मौजूद हैं और इंसेफेलाइटिस के AES का सीजन चल रहा है, जिसके कारण अब इसके मरीज बढ़ रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से है, जहां संदिग्ध हालत में गोली लगने से किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को जिला अस्पताल में उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक किशोरी प्रियांशी को संदिग्ध हालत में गोली लग गई, जिस पर गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया, जहां पर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर सीओ सत्यप्रकाश शर्मा में जाप्ता मौका मुआयना करने पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। संदिग्ध परिस्थितियों में अवैध असले से अपने पेट में गोली मारने की बात संज्ञान में आई है। चूंकि उसकी हालत गंभीर थी, उसको हेल्थ सेंटर कानपुर उपचार हेतु रवाना कर दिया गया है। घायल का बयान भी ले लिया गया है। विधिक कार्रवाई छानबीन कर कराई जा रही है। खबर यूपी के महाराजगंज क्षेत्र से है, जहां शिवपुर अदरोना में एसएसबी के एक जवान ने गांव में ही एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की और गर्भवती महिला के पेट पर गुस्से में लात मार दी, जिससे गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में आरोपी जवान के खिलाफ आक्रोश है। वहीं पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
यूपी के महाराजगंज स्थित लबदहा गांव में बाइक को साइड में लेने की बात पर हुआ विवाद पुलिस थाने तक जा पहुंचा। इस दौरान एक पक्ष ने ग्राम प्रधान के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया है। ऐसे में प्रधान संगठन के करीब 2 दर्जन लोग कोल्लुही थाने पहुंचे, जहां पुलिस और प्रधान समर्थकों के बीच खींचतान हो गई, जिसके बाद कोल्लुही पुलिस के खिलाफ सवालिया निशान खड़े हो गए। फिलहाल पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। यूपी के बस्ती जिले में बेखौफ चोर खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं विक्रमजोत पुलिस कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। ताजा मामला विक्रमजोत चौराहे का है, जहां चोरों ने पाटन दीन साहू के मकान को निशाना बनाते हुए नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी। राजधानी लखनऊ के थाना सहादतगंज क्षेत्र की अंबरगंज चौकी में एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर मौजूद पुलिस बल और अन्य लोगों को हैरत में डाल दिया। वहीं खास बात यह रही कि चौकी में महिला पर अंकुश लगाने के लिए एक भी महिला कांस्टेबल मौजूद नहीं थी। चौकी इंचार्ज के कॉल करने के बाद भी थाने से कोई भी महिला कांस्टेबल मौके पर नहीं पहुंच सकी। वहीं ड्रामा कर रही महिला ने पुलिस से दबंगई दिखाते हुए दरोगा के पिस्टल छीनने का भी प्रयास किया। पुलिस के अनुसार महिला अपने साथ आए युवक से शादी करना चाहती है। इसी मामले में युवक के पिता ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली है, जिसकी जांच चौकी प्रभारी अंबरगंज कर रहे हैं। यूपी के बिजनौर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वहीं इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नाले भी उफान पर हैं। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ग्रामीण जान हथेली पर रखकर नदी पार करने को मजबूर है। प्रियंका गांधी के गठबंधन वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस के पास गठबंधन ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार ढूंढने को नहीं मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी को पॉलिटिकल टूरिस्ट बताते हुए कहा कि उनके भरोसे कांग्रेस का उद्धार नहीं हो पाएगा, लेकिन गठबंधन से ही कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होने वाला है। यह 2017 और 2019 के चुनाव में भी स्पष्ट हो चुका है। कांग्रेस पार्टी की दशा खराब है। कांग्रेस पार्टी के पास न नेता है न कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। अब ऐसे में विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन ही एकमात्र विकल्प है। वो गठबंधन करके कम से कम उम्मीदवार तो तलाश लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल टूरिस्ट प्रियंका वाड्रा जी के बहारे कांग्रेस कार पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है। प्रियंका जी आती हैं, चली जाती हैं, कार्यकर्ताओं का पुरसा हाल तक नहीं लेती हैं, जनता के साथ संवाद नहीं है। ऐसी स्थिति में गठबंधन ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन इस गठबंधन से भी कांग्रेस का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि 2017 में भी कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया था, परिणाम क्या हुआ? 2019 में भी महागठबंधन का हिस्सा बनकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी दशा सुधारने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम वही ढाक के तीन पार रहा। तो कांग्रेस पार्टी कितना भी गठबंधन कर ले, जब तक वो जनता के साथ जुड़ाव नहीं करेगी और कोई नेता अपना तय नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी की यही दशा रहेगी। यूपी के संभल में मानसून की पहली बारिश आफत बनकर बरसी है। यहां तेज बारिश से कच्चा मकान धराशाही हो गया। वहीं मकान धराशाही होने से मलबे में दबकर एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि महिला समेत 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को मलबे से बाहर निकाला। इस दौरान घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी के हापुड़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की दबंगई ने गरीब बच्चों का निवाला छीन लिया है। ताजा मामला बाबूगढ़ के पास अटूटा ब्लॉक के सिंभावली का है, जहां आंगनबाड़ी में लाभार्थी महिलाओं को घी और बच्चों का पाउडर देने में आनाकानी की जा रही है। खास बात यह है कि प्रशासन भी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठा है। इसी बीच स्थानीय लोगों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।